हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फराज जायका। और आज हम एक नई रेसिपी बताने जा रहे हैं आपको, जिसको कहते हैं क्लैरिफाइड बटर या घी, देसी घी बना रहे हैं होममेड। आपको बताते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने ले ली है फुल फैट क्रीम, जो मैंने 8 डेज तक कलेक्ट की थी, और इसको मैंने टिन के बोल में कलेक्ट किया था। आप ग्लास या टिन या स्टील किसी में कलेक्ट कर सकते हैं। और इसको हमने आधा घंटा पहले निकाल के रखा था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और इसको अभी हमने इस पतीले में निकाल लिया है और हम इसको गैस पे सिम पे रख देंगे, इसको स्लोली थॉ होने के लिए थोड़ा। और उसके बाद ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये धीरे धीरे सारी मलाई मेल्ट हो जाएगी, बट आपको इसको चलाते रहना है। एवरी 5 मिनट्स में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लगकर जल सकती है। ये आप देख सकते हैं कैसी दिख रही है। ये घी बहुत हेल्दी होता है। आई वुड रिक्वेस्ट सब लोग घर पर ही बनाएं, सबके घर पर दूध तो आता ही है। सो ये देख सकते हैं आप, 10-15 मिनट्स के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये देख सकते हैं मैं नीचे से थोड़ा थोड़ा स्क्रेप कर रही हूँ, तो ये थोड़ा गोल्डनिश दिख रहा है। और ये अभी 5-10 मिनट्स में फुल्ली रेडी हो जाएगा। आप एजेस से भी इसको थोड़ा थोड़ा निकाल लें तो बाहर के घी से बेटर है। ये बहुत हेल्दी भी होता है एंड इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। घी, एटलीस्ट 1 स्पून घी एवरीडे लोगों को खाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया है, गोल्डनिश हो गया है ये खोया। और अभी हम इसको, ये घी बिल्कुल जो सेपरेट हो चुका है, रेडी है, हम इसको स्ट्रेन करके आपको दिखाएंगे। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है, आप ग्लास बॉटल भी ले सकते हैं। मैं इसको प्लास्टिक कंटेनर में निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये कितना प्योर फॉर्म में है, एकदम वाइट इन कलर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये अभी बहुत गर्म है, आप इस खोए को भी घर में बच्चों को दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं विद शुगर थोड़ा सा डाल के, बहुत अच्छा लगता है ये। और इसके साथ हमारा घर का घी रेडी है, होममेड विदाउट एनी अदर फैट्स। ये देखो, ये इसके रिमेन्स है जो खोया है, और हमारा घी रेडी है। आपको अगर ये रेसिपी इजी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हेल्दी खाइए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कीप वॉचिंग फराज जायका, अंटिल नेक्स्ट टाइम।